टीसीएस इस तारीख को करेगी डिविडेंड की घोषणा, रिकॉर्ड डेट भी हुई फिक्स। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बोर्ड 11 अक्टूबर को मीटिंग करने जा रहा है। इस मीटिंग में वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के लिए वित्तीय नतीजों को रखा जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। साथ ही मीटिंग में कंपनी के दूसरे इंटरिम डिविडेंड पर भी विचार होगा। इस बारे में टीसीएस ने 29 सितंबर को शेयर बाजारों को सूचना दी। इससे पहले टीसीएस ने 12 जुलाई 2023 को पहली तिमाही अप्रैल जून के लिए वित्तीय नतीजे घोषित करने के दौरान डिविडेंड का ऐलान किया था। यह इंटरिम डिविडेंड 1 रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 9 रुपए का घोषित किया गया था। कंपनी ने स्टॉक फाइलिंग में कहा है कि 11 अक्टूबर 2023 को होने जा रही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कंपनी के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश और मंजूर किए जाएंगे। इस दौरान शेयर धारकों के लिए दूसरे इंटरिम डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। टीसीएस के शेयरों ने पिछले 3 माह में 10% और 6 माह में 13% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर का रिटर्न 18% रहा है। डिविडेंड को लेकर 19 अक्टूबर 2023 रिकॉर्ड डेट है। टीसीएस का कहना है कि अगर मीटिंग में दूसरा इंटरिम डिविडेंड घोषित किया जाता है तो उसे कंपनी के उन शेयर धारकों को दिया जाएगा जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यानी द कंपनी या डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में बेनिफिशियल ओनर्स के तौर पर 19 अक्टूबर 2023 तक दर्ज होगा। क्वार्टर एक में मुनाफा 16.84% बढ़ा। FY24 की अप्रैल जून 2023 तिमाही में टीसीएस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 16.84% बढ़कर 11,074 करोड़ रुपए रहा था। 1 साल पहले इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 9,478 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अप्रैल जून में बढ़कर 59,381 रुपए रहा था, जो 1 साल पहले 52,758 करोड़ रुपए था।